नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना फार्मेसिस्ट चैनल में स्वागत करता हूं। मेरा नाम नवीन सक्सेना है और मैं रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लोबेट जीएम क्रीम के बारे में। क्लोबेट जीएम क्रीम को इंडिया में यूनिवर्सल द्वारा बनाया जाता है। ये 15 ग्राम की ट्यूब जो है 44 रुपीज की आती है। ये एक एंटी फंगल, स्टेरॉइड और एंटी माइक्रोबियल का कॉम्बिनेशन होती है और ये एक स्किन क्रीम है और एंटी फंगल क्रीम होने के साथ साथ एंटीबैक्टीरियल क्रीम का काम भी करती है। मैं आपको बताऊंगा क्लोबेट जीएम क्रीम के उपयोग के बारे में, उसके साइड इफेक्ट के बारे में, उसको कैसे यूज किया जाता है और क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेने चाहिए क्लोबेट जीएम क्रीम के यूज के दौरान। सबसे पहले आपको बताता हूँ क्लोबेट जीएम क्रीम के कंपोजिशन के बारे में। क्लोबेट जीएम में तीन मेडिसिन होती है, एक एंटी फंगल है, एक स्टेरॉइड है और एक एंटी माइक्रोबियल है। सबसे पहले होता है क्लोबेटासोल 0.05% जो एक स्टेरॉइड है। अक्सर देखा गया है फंगल इन्फेक्शन में जो इन्फ्लेमेशन होती है, मतलब सूजन होती है, लाल हो जाती है स्किन और काफी खुजली मचती है, उसको क्लोबेटासोल दूर करने में काफी मदद करता है। और दूसरा जो मेडिसिन है वो है नियोमायसिन। नियोमायसिन एक एंटीबैक्टीरियल है जो कभी कभी फंगल के साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है, उसको दूर करने में काफी मदद करता है। और जो तीसरा मेडिसिन है वो है क्लोट्रिमाजोल। क्लोट्रिमाजोल भी एक एंटी फंगल है जो फंगस की ग्रोथ को रोकता है और जो फंगल इन्फेक्शन है उसको कम करने में और ठीक करने में काफी मदद करता है। इस तरह से ये तीनों मेडिसिन क्लोट्रिमाजोल, क्लोबेटासोल और नियोमायसिन मिलके क्लोबेट जीएम को एक बहुत अच्छी एंटी फंगल क्रीम बनाते हैं और सभी तरह की स्किन इन्फेक्शन को दूर करने में काफी मदद करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ इस क्रीम को कहाँ पर यूज किया जाता है, इस क्रीम के यूजेस के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया ये एक एंटी फंगल, स्टेरॉइड और एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है। इसके लिए इसको स्किन इन्फेक्शन में यूज किया जाता है, जैसे कि एक्जिमा होना, दाद, खाज, खुजली होना, स्किन में सूजन होना, लाल हो जाना स्किन का, डर्मेटाइटिस हो जाना, एथलीट फूट में भी इसका उपयोग किया जाता है, सोरियसिस में नाखून में जो इन्फेक्शन हो जाते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है, जो किच में, कैंडिडियोसिस में, सिबोरिक डर्मेटाइटिस में और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में भी इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। नाभि में, सर में, योनि के बाहर खुजली हो जाना, इन सभी कंडीशन में इस क्रीम को उपयोग किया जाता है और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मैं आपको बताता हूँ इस क्रीम को कैसे यूज करना है, डॉक्टर्स को कैसे प्रिस्क्राइब करते हैं। डॉक्टर जनरली इस क्रीम को दिन में 2 या 3 बार लगाने की सलाह देते हैं। मैं आप वीडियो के आगे अगले पार्ट में बताऊंगा कि इस क्रीम को कैसे आपको लगाना है। मैं आपको बताता हूँ इस क्रीम के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में। वैसे तो ये क्रीम काफी सेफ क्रीम है और अगर आप डॉक्टर के बताए गए तरीके से यूज करेंगे तो आपको साइड इफेक्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। फिर भी कुछ केसेस में साइड इफेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि स्किन का पतला हो जाना और जहाँ पे हम क्रीम लगा रहे हैं वहां पे कुछ रिएक्शन हो सकती है, जैसे उस साइड पे, जैसे कि कभी कभी आपको जलन महसूस हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, इचिंग हो सकती है या वो जगह लाल हो सकती है। और ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है जो क्रीम के यूज करने के बंद कर देते हैं तो साइड इफेक्ट भी चले जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या सावधानियां आपको लेनी चाहिए इस क्रीम के यूज के दौरान। सबसे पहले ये स्कीम जो क्रीम है ये स्किन क्रीम है और एक्सटर्नल यूज के लिए है, तो इसके लिए आपको सिर्फ बाहरी स्किन पे यूज करना है और कहीं इसको उपयोग नहीं करना है। और दूसरा, आपको डॉक्टर ने जितनी बार आपको क्रीम लगाने के लिए बोला है और जितने दिन के लगाने के लिए बोला है उतने दिन ही इस क्रीम का उपयोग करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपको इस क्रीम का उपयोग करना है और कैसे स्किन पे लगाना है। इसमें आपको बताया डॉक्टर जनरली इस क्रीम को दिन में 2 या 3 बार लगाने की सलाह देते हैं, लेकिन अगर पॉसिबल आपके लिए पॉसिबल नहीं है दिन में 2 या 3 बार लगाना तो एटलीस्ट आपको स्पेशली रात को इस क्रीम को जरूर लगाना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपको क्रीम को लगाना है। सबसे पहले जो आपका अफेक्टेड एरिया है, जिस एरिया में आपको इन्फेक्शन है, उस एरिया को आपको अच्छे से साफ पानी से क्लीन कर लेना है और उससे पहले आपको अपने हाथों को भी साबुन से धो लेना है। उस एरिया को क्लीन करने के बाद आपको किसी सॉफ्ट कपड़े से उसको अच्छे से सुखा लेना है और उसके बाद इस क्रीम को जेंटली एक थिन लेयर के रूप में लगा लेना है और उसको ऐसे ही छोड़ देना है और अपने हाथों को वापस अच्छे से साफ
कर लेना है। कुछ लोगों में क्रीम लगाने के बाद थोड़ी इरिटेशन हो सकती है, वो थोड़ी जलन फील हो सकती है, लेकिन ये टेम्परेरी होती है। अगर आपको ये प्रॉब्लम कंटिन्यूस रहती है तो आपको डॉक्टर को बता देना चाहिए। आपको जिसे मैंने बताया ये स्किन क्रीम है, तो इसका जो टच है आपकी आंखों में नहीं जाना चाहिए, नाक में नहीं जाना चाहिए और मुंह में भी नहीं जाना चाहिए गलती से। और अगर गलती से चला जाता है तो आपको तुरंत पानी से इसको धो लेना चाहिए। और आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि कुछ लोगों में ऐसा देखा गया है कि क्रीम लगाने से पहले कुछ लोग उसको अपने जो यहाँ पर इन्फेक्टेड पार्ट है उसको काफी स्क्रैच करते हैं, उसको खुजाते हैं और फिर क्रीम को लगाते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे इन्फेक्शन और ज्यादा फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और क्रीम लगाने के बाद आपको उस एरिया को ना तो बैंडेज करना है और ना कोई उस पर ड्रेसिंग करनी है, क्योंकि इससे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इस क्रीम को आपको 2 सप्ताह से ज्यादा यूज नहीं करना है। और अगर आपको 2 सप्ताह में रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो आपको डॉक्टर को बता देना चाहिए और डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको ये क्रीम कंटिन्यू करनी है या कोई और ट्रीटमेंट चालू करना है। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे इस क्रीम का यूज करना है और क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है, जिससे कि आपका फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी ठीक हो सके। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल आपका अपना फार्मेसिस्ट को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।